कक्षा 10 एक्सरसाइज 10.3 इसका हम चौथा प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हमें दिया गया है एक वृत्त और इसके व्यास, व्यास का मतलब होता है डायमीटर, तो AB इसका डायमीटर है। व्यास के सिरों यानी A और B पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है, हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले देखिए, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, इसका मतलब ये जो कोण होगा ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ इस तरफ को ले लें, ये जो कोण होगा ये होगा 90 डिग्री, यानी कि कोण A बराबर होगा 90 डिग्री। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ पर ये है स्पर्श रेखा और OB है त्रिज्या, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है 90 डिग्री का। इसका मतलब कोण B भी हो गया 90 डिग्री। इसका जो रीजन होगा वो होगा वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इसी प्रकार से नीचे का, नीचे वाले का भी यही रीजन आ जाएगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या पर लंब होती है। अब यदि आप ध्यान से देखें तो एक कोण A और कोण B जो मैंने यहां मार्क किए हैं, ये कैसे हैं? ये दो रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा माने, तो ये कोण और ये कोण, ये कैसे कोण है? एकांतर अंतःकोण। ये कैसे कोण है? एकांतर अंतःकोण है। और हमें पता है यदि दो रेखाओं के एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं तो वो रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। अब हम यहाँ लिखेंगे कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण A और B एकांतर अंतः कोण है और बराबर है 20 रेखा के समांतर है, पैरेलल है, ये जो है समांतर का निशान होता है, पैरेलल है। और यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था, तो हम यहां लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ कि, इसके बाद हमने सारी स्टेटमेंट क्वेश्चन में से लिखनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो वही चीज हम यहां लिख देंगे, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर सर कौन आ रहा है? नाम नहीं, विदाउट नेम है, 720 है लास्ट में।